लोधा इलाके के एक गांव में हवस के भूखे भेड़िए मामा द्वारा अपनी 6 वर्षीय मासूम भांजी को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर निर्वस्त्र करते हुए उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। चॉकलेट का लालच देकर मासूम के साथ बलात्कार की कोशिश करने वाले रिश्ते के आरोपी मामा को ग्रामीणों ने पकड़कर मारपीट कर जमकर कुटाई करते हुए सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ बलात्कार की कोशिश करने वाले आरोपी मामा को गिरफ्तार करते हुए थाने ले गई। तो वहीं मासूम को मेडिकल परीक्षण हेतु उपचार के लिए अस्पताल भेजते हुए पुलिस पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार थाना लोधा क्षेत्र के एक गांव में अपने घर के बाहर खेल रही मासूम बच्ची के साथ रिश्ते के मामा द्वारा चॉकलेट का लालच देकर सुनसान कोठरी में ले जाकर बच्ची को निर्वस्त्र करते हुए उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा, लेकिन मासूम के विरोध और चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके चलते आरोपी मामा अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। जिसके चलते मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपी मामा को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। वहीं इस मामले पर मासूम बच्ची की मां ने बताया कि उसकी बेटी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी बच्ची को घर के बाहर अकेला खेलते हुए देख रिश्ते के में लगने वाला आरोपी मामा 6 वर्षीय बच्ची के पास पहुंचा और उसको चॉकलेट खिलाने का लालच देकर अपने साथ घर के अंदर सुनसान कोठरी में ले गया, जहां चॉकलेट का लालच देते हुए उसको निर्वस्त्र कर जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। जिसके चलते बेटी ने मामा द्वारा बलात्कार की कोशिश किए जाने के दौरान अपने आप को बचाने के लिए शोर मचाया। बेटी के चीखने चिल्लाने के शोर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए तो देखा कि आरोपी मामा उसकी बेटी को निर्वस्त्र कर बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर उसके साथ सुनसान कोठरी में बलात्कार की कोशिश करने वाले आरोपी मामा को लोगों ने दबोच लिया, सूचना पुलिस को दे दी। रिश्ते में लगने वाले मामा द्वारा मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश किए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आनन फानन में इलाका थाना अध्यक्ष सहित पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीण वहीं पर गिरफ्त से आरोपी को अपनी हिरासत में लेते हुए गिरफ्तार कर थाने ले गई। तो वहीं बच्ची को मेडिकल परीक्षण हेतु उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। घटना के बाद पीड़िता की मां ने थाने पहुंचकर आरोपी मामा के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। मासूम बच्ची के साथ हुई दर्दनीय घटना को लेकर क्षेत्राधिकारी गभाना शुभेंदु सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लोधा थाना क्षेत्र के एक गांव से पुलिस को सूचना मिली थी कि एक मामा के द्वारा अपनी भांजी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर थाना अध्यक्ष ने क्या कहा है। मैं क्षेत्र अधिकारी गवाना एक प्रकरण से अवगत करा दूं कि आज शाम थाना लोधा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त होती है कि एक मामा के द्वारा भतीजी का दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। प्राप्त तहरीर पर सुसंगत दारों में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। एवरी पैशनेट चाइल्ड हैज अ यूनिक स्टोरी। Mount Era Convent School. Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Nari. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.